हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रिंस, और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग फर्स्ट चैप्टर के लास्ट पार्ट को। लास्ट वीडियो में मैंने आपको पार्ट नंबर 7 बताया था, जहां पे हम लोग क्वेरी हैंडलिंग प्रॉपर्टीज के बारे में हमने पढ़ा था, जहां पे हमने अलर्ट बॉक्स देखा, कन्फर्म बॉक्स देखा और प्रॉम्प्ट देखा था। इसके बारे में हमने थ्योरी देखी थी, क्या होता है ये तीनों बॉक्स, क्या काम क्या होता है। जनरली इस चैनल पर मैं थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल वीडियोज बना रहा हूँ, तो आज की इस वीडियो में हम लोग इम्प्लीमेंटेशन देखने वाले हैं अलर्ट बॉक्स की, प्रॉम्प्ट बॉक्स की और कन्फर्म बॉक्स की। ये तीनों बॉक्सेस जो हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बट आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए भी होने वाला है क्योंकि हमने अभी जस्ट हमने 500 वीडियोस अपने चैनल पे क्रॉस किए। अभी तक हमने 500 से ज़्यादा वीडियोस बना लिया इस चैनल के लिए, और अराउंड 27,000 सब्सक्राइबर्स भी हमारे होने वाले हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ और इतना पसंद करने के लिए। सो अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही तो प्लीज़ अपने फीडबैक ज़रूर मुझे छोड़ना। और एक छोटा सा टारगेट हमारा है कि हमारे सारे नोट्स जो हैं वो हमारे ऐप पे आने वाले हैं, बट अगर हमने इस हफ्ते 27,000 सब्सक्राइबर्स, मतलब जो 150 सब्सक्राइबर्स हमारे बाकी हैं, अगर ये कंप्लीट करते हैं तो CSS के लिए बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन बैंक मैं शेयर करूंगा। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करो ताकि हम लोग क्वेश्चन बैंक आपके लिए बना पाए, राइट? तो आज के इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने कोर्स के बारे में बताता हूँ कि अगर आप हर एक सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, नोट्स, असाइनमेंट, क्वेश्चन बैंक, तो आप हमारे लाइव कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं फॉर ऑल सब्जेक्ट। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन है, राइट? तो आज के इस वीडियो में हमें कवर करना है प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अलर्ट बॉक्स, कन्फर्म बॉक्स और साथ साथ में प्रॉम्प्ट बॉक्स। अब इन तीनों का हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाला है। जैसे जैसे हम लोग प्रोग्रामिंग में आगे बढ़ेंगे, हम इन तीनों के बारे में चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहला होता है बॉक्सेस में अलर्ट बॉक्स। अगर आप अलर्ट बॉक्स हो या प्रॉम्प्ट बॉक्स हो या फिर आपका कन्फर्म बॉक्स हो, ये तीनों जो बॉक्सेस होते हैं ये एक पॉपअप बॉक्स की तरह काम करते हैं। मतलब आपके सामने जो भी इनपुट्स आएंगे, जो भी वार्निंग्स आएंगी, वो एज अ पॉपअप आएंगे, ठीक है? सो सबसे पहले अलर्ट बॉक्स हम क्यों यूज़ करते हैं? जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था कि अलर्ट बॉक्स जो होता है वो जनरली हम लोग यूज़ करते हैं जब हमें कोई मैसेज भेजना होता है, मैसेज प्रिंट करना होता है। वो मैसेज कैसा भी हो सकता है, हो सकता है कि किसी रिजल्ट को आपको दिखाना है, कोई वार्निंग आपको देनी है, कोई भी टेक्स्ट प्रिंट करना है, तो आप अलर्ट बॉक्स का यूज़ करते हैं। हालांकि हम अलर्ट बॉक्स को कन्फर्म बॉक्स के बाद भी लगा सकते हैं, कभी भी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले अलर्ट बॉक्स का सिंटेक्स कैसा होता है, सिंपली आपको लिखना है अलर्ट और इसके अंदर आपका मैसेज आएगा। मान लेते हैं कि हेलो, दिस इज अ टेस्टिंग मैसेज। मैंने एक सिंपल सा मैसेज प्रिंट किया, ठीक है? अब देखो, ये एक सिंपल सा मैसेज मैंने यहाँ पे प्रिंट किया, बट मैं इसमें वेरिएबल की वैल्यूज को भी प्रिंट कर सकता, जो मैं अभी आपको जस्ट बताने वाला हूँ। बट पहले हम लोग इसको रन करा के देखते हैं कि हमारा दिखता कैसा है अलर्ट बॉक्स। देखो, अलर्ट बॉक्स कुछ इस तरीके का आपको दिखने वाला है। दिस पेज शेज हेलो, दिस इज अ टेस्टिंग मैसेज, राइट? तो अलर्ट बॉक्स आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा। अलर्ट बॉक्स को इंप्लीमेंट करना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। तो इस तरीके से आप अलर्ट बॉक्स को प्रिंट करते हो, और अभी मैं बताऊंगा आपको वेरिएबल की वैल्यू को हम कैसे प्रिंट करेंगे। बट इसके बाद जो हमारा दूसरा बॉक्स आता है वो होता है कंफर्म बॉक्स। सो कंफर्म बॉक्स बेसिकली क्या होता है, जहां पे आप कोई स्पेसिफिक कंडीशन लगाते हैं ओके और कैंसिल का। मतलब अगर आपने वहां पे कंफर्म, बेसिकली ट्रू एंड फॉल्स पे काम करता है। अगर वैल्यू ट्रू होगी, अगर किसी यूजर ने ओके दिया तो क्या एग्जीक्यूट कराने वाले हैं आप, अगर किसी यूजर ने कैंसिल किया तो आप क्या एग्जीक्यूट कराने वाले। ये बेसिकली कंफर्म बॉक्स होता है। जैसे इफ कंफर्म, ठीक है, हमने यहाँ लिखा कन्फर्म आर यू ओके, ठीक है, अगर हमने कुछ ऐसा लिखा तो इफ कंडीशन का मतलब क्या हुआ कि अगर हमने ओके किया इस पे तो बेसिकली इफ कंडीशन एग्जीक्यूट होगा। इफ में हम लोग देते हैं अलर्ट ओके, ठीक है, और अगर यूजर ने कैंसिल किया तो क्या होगा, एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अलर्ट नॉट ओके। तो जनरली इन सब प्रोग्राम्स को हम लोग अलग अलग जगह पे यूज करते हैं। मान ले देखो, अब ऐसा है आर यू ओके, ओके और कैंसिल। अगर मैं ओके करूंगा तो मेरा इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। देखो, इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ। अगर मैं यहाँ पे कैंसिल करूंगा तो देखो नॉट ओके, मतलब एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ। सो बेसिकली ये कन्फर्म बॉक्स होता है। यहाँ पे आपको इफ एल्स कंडीशन आप किसी भी बॉक्स में दे सकते हो, और जरूरी नहीं कि आप यहाँ पे अलर्ट दें, आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं, राइट? ये मैंने एक अलर्ट मैसेज प्रिंट किया। आप यहाँ पे किसी भी टाइप के ऑपरेशन को यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं, ये कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। और लास्ट बॉक्स जो हमारा होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉम्प्ट बॉक्स। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेरी हैंडलिंग प्रॉपर्टीज फॉर योर जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम।
बेसिकली हमें यूज़र से इनपुट लेना होता है कई बार। तो यूज़र से इनपुट लेने के HTML में दो तीन तरीके हैं। सबसे पहला तो है फॉर्म, आप फॉर्म बना सकते हैं, बट फॉर्म एक लेंदी प्रोसेस है और हमें अभी फॉर्म क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि हम आगे फॉर्म बनाएंगे, हम वहाँ पे देखेंगे कि हम फॉर्म कैसे बनाते हैं, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट का यूज़ कैसे करते हैं, सारी चीज़ें देखने वाले हैं, बट फिलहाल के लिए हमें इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। तो हम यूज़ करेंगे प्रॉम्प्ट बॉक्स को। सो प्रॉम्प्ट बॉक्स क्या करता है, यूज़र से इनपुट लेने के लिए हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक यूज़र से इनपुट लेना चाहते हैं, तो मैंने एक बनाया वेरिएबल var num1 इज इक्वल्स टू प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट के अंदर आप कोई भी मैसेज दे सकते हैं। सपोज करो मैंने मैसेज दे दिया इंटर नंबर वन, ऐसा कुछ मैंने मैसेज दे दिया, ठीक है। अब देखो, अगर मैं इस प्रोग्राम को रन कराऊंगा तो ये यूजर से यहां पे इनपुट ले मैंने इसको रिफ्रेश कराया, देखो इंटर नंबर वन आया, मैंने यहाँ पे 20 दिया, इंटर मारा तो हो गया, ठीक है। तो हम इस तरीके से इनपुट लेते हैं, बट इसके बारे में कुछ चीज़ें समझ लो। जैसे कि क्या, सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। वैट नंबर वन इंटर नंबर वन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दूंगा वैर नम टू इज इक्वल्स टू प्रॉम्प्ट। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, वो इंटर नंबर टू, करेक्ट है। अब देखो, हमने यहां पे बनाया वैर रिजल्ट इज इक्वल टू नम वन प्लस नम टू। अब आपके हिसाब से इसको मैं प्रिंट करता हूं अलर्ट बॉक्स का हेल्प लेके, अलर्ट रिजल्ट इज इक्वल टू प्लस रिजल्ट, ठीक है, परफेक्टली राइट। अब मैं इसको रन कराता हूं, मैंने दो नंबर की इनपुट ली है यूजर से, मैंने रिजल्ट में प्रिंट किया, बट देखो अभी रिजल्ट क्या आएगा। मैं नंबर डालता हूं 20, एंटर मारा 30। अब आप सब मुझे इस वीडियो को पॉज करके बताओ कि रिजल्ट क्या आएगा। चलो फटाफट बताओ आप सब मुझे पॉज करके। यस, बताया आपने आंसर। देखो मैंने एंटर मारा, देखो रिजल्ट क्या है, 20 30। दुनिया की किसी एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, दुनिया की किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर मैं बात करूँ, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, अगर आप यूज़र से किसी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में इनपुट ले रहे हैं, मतलब चाहे वो टेक्स्ट फील्ड हो, टेक्स्ट बॉक्स हो, पाइथन में इनपुट फंक्शन हो, कहीं पर भी राइट, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी इनपुट होगी वो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग में होती है, ठीक है। तो आप कभी भी एग्जाम में भी अगर प्रॉम्प्ट बॉक्स का यूज़ कर रहे हैं न्यूमेरिक या अर्थमेटिक ऑपरेशन के लिए, ऑलवेज रिमेंबर कि आपको इसको कन्वर्ट करना होगा इंटीजर में। जैसे हम जावा में यूज़ करते थे रैपर क्लास का, जिसका काम था इंटीजर डॉट पार्स इंट, इंटीजर कैपिटल्स में, जो बेसिकली हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप को एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करता था। बट यहाँ पे हम इंटीजर डॉट पार्स इंट नहीं लिखते, हम केवल पार्स इंट फंक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, देखो पार्स इंट, ठीक है, अगर फ्लोट है तो पार्स फ्लोट, जाहिर सी बात है। मैंने इसको ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दिया कुछ इस तरीके से। अब जो आपका ये है प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट पार्स इंट के अंदर आना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है आपको, पार्स इंट, ठीक है। यहाँ पे प्रॉम्प्ट ऐड कर दो, प्रॉम्प्ट मेरा हट चुका है यहाँ से, प्रॉम्प्ट, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दो अच्छी तरीके से। देखो अब जो मैंने पार्स इंट किया, मतलब मैंने इस वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको वापस रन कराता हूँ, देखो रन कराया 20 30, परफेक्ट दिख रहा है आप सभी को, परफेक्ट रिजल्ट आया 50 राइट। तो इस तरीके से आप प्रॉम्प्ट बॉक्स को यूज़ करते हैं। जनरली अगर आप कहीं पे भी यूजर से इनपुट ले रहे हैं तो प्रॉम्प्ट बॉक्स का बहुत जगह पे हेल्प लेंगे। जैसे सब लोग प्रोग्रामिंग में आगे बढ़ने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ इस सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखो ये सिलेबस है, ये हमारा लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का, इसके बाद मैं आपको सेकंड चैप्टर स्टार्ट करूँगा। बट एक टारगेट मैंने छोटा सा लिया है जिसमें मुझे आप सभी की हेल्प चाहिए, वो ये है कि हमारे यूट्यूब की जर्नी में हमने बहुत ज़्यादा वीडियोज़ अभी तक बनाए हैं, ओनली 150 वीडियोस, 50 सब्सक्राइबर्स में हम लोग 27,000 सब्सक्राइबर्स पे रीच करेंगे। अगर ये सब्सक्राइबर्स हम लोग इस वीक में रीच आउट करते हैं तो हम आपके लिए बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन बैंक बनाएंगे, जो यूनिट टेस्ट के लिए होगा विद सॉल्यूशन, जो हमारे ऐप पे फ्री ऑफ कॉस्ट आने वाला है, कोई चार्ज पे करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ऑल यू हैव टू डू इज सब्सक्राइब टू आवर चैनल्स, तो सो डैट कि हमें भी एक मोटिवेशन मिले और वीडियोज़ बनाने के लिए। और हमारे प्लेलिस्ट को आप प्लीज़ फॉलो करें, चैप्टर वन की नोट्स ऑलरेडी मेरे एप्लीकेशन पर पहुंच चुकी है, आप जाके फ्री मटेरियल्स में चेकआउट कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलना, वहां पे सारे नोटिफिकेशंस मैं भेजते रहता हूं। आई थिंक आपको चैप्टर वन अच्छे से समझ में आ गया होगा,
मैं बहुत जल्दी इसकी लाइव सेशंस को भी प्लान करने वाला हूँ, सो उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, अब हम लोग मिलते हैं अपने चैप्टर 2 के साथ और आगे की चीज़ों को कंटिन्यू करते। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। हैव अ गुड डे।